Welcome back to another video. It's your boy Tiger Insan, Richard Insan, Tigred Insan, Tiger Insan. पता नहीं कौन कौन सा इंसान बना दिया तुमने, बस एक ट्रिगर्ड इंसान ही नहीं बोला जाता किसी से। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। Anyways, तुम्हें कह रहा था आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसी वीडियोस जिनको देखने के बाद यू'ल बी लाइक, अबे ये का देख लिया अबे, लाइक दिस। गलतियों पे गलतियां करती रहती हो, माफी के तुम लायक ही नहीं हो। नहीं माता जी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जस्ट अनदर डे इन टीवी सीरियल्स जहाँ पे बहू सास के पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ा रही है, माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं चाहिए माता जी प्लीज जाने दो। और ये उसने पल्लू खींचा अपना और छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। इतने सालों से गलतियां कर रही हूँ, समझा समझा के मैं थक गई हूँ। आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग ऑल दिस वो माता जी खींची जा रही है, वो बोल भी नहीं पा रही कुछ अब, पर वो खींची जा रही है और पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही है माता जी। नहीं मिलेगी माफी, नहीं मिलेगी। ये क्या देख रहा हूं मैं, मर गई, लिटरली मर गई अगली। और एक सेकंड, इसने एंड में ये पल्लू फेंक दिया, पल्लू तो उसने ऐसे करके यू लिया हुआ था जिसके एंड में वो बंद के मर रही थी और वो फेंक कैसे गई उसको, तो फिर तो उसकी साड़ी का, मैं बेवकूफ हूं क्या, पता नहीं। उसने हाथ में अलग से एक कपड़े का पीस पकड़ा हुआ है जो एंड में वो फेंक गई, तो वो उसकी साड़ी का पार्ट था ही नहीं और वो इतने में मर गई। और ये सीन देख के, मतलब ये तो मैं सोच ही रहा हूँ ये मैंने क्या देख लिया, पर ये देख के मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने ऐसा सा पहले भी कुछ देखा हुआ है। एक सेकंड, ससुराल सिमर का ऐसा सा ही एक सीन था, ये रहा, ये वही सेम दादी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, वो घूमते घूमते गई पर्दे में अपना गर्दन बांध के, खुद ही मर गई। ये एक ही सीरियल वाले सेम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आई ऐसा कुछ बनाते हुए। शर्म शर्म करो शर्म। हाँ तो मैं बस यही बता रहा था कि आज तुम्हें ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। World's fastest reader. I'm the fastest reader in the world. Go on. What did I just watch? World's fastest reader. भाई गरारे करते हैं ना गरम पानी के, ऐसा गार्गल्स भाई ने किताब पढ़ रहा है वैसे, ऐसा तो भाई मैं भी वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्पीकर हूँ, ठीक है। समझ आया ना तुम्हें, तो अभी तक वीडियो लाइक क्यों नहीं करी, जल्दी वीडियो लाइक करो। मतलब कुछ भी, ये दिस कांट बी रियल मैन। एक सेकेंड, 2 seconds, yes, that's why I can't believe it is real, but this is a comedy video. This is a comedy video. Channel का नाम ही Josh Too Funny Entertainment है, तो this was a comedy video. There is no way कोई बंदा ये claim कर सकता है कि वो 2 seconds में 4 किताबें पढ़ गया, वो भी मतलब कुछ भी। मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन। भाई गाना एकदम परफेक्टली सूट हो रहा था। इन केस यू गाइस डोंट नो, नेहा दीदी का अभी एक गाना आया है, ओ मैंने पायल है छलकाई। आई मीन गाना नहीं आया, इट्स टेक्निकली अ रीमेक ऑफ अ लेजेंडरी सॉन्ग फाल्गुनी पाठक जी का, अगर तुमने सुना हो तो। आई विल से इट बिकॉज आई हैव द गट्स टू से इट। मैं एक्चुअली में नेहा दीदी का फैन हूँ, दीदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। आई लाइक हर वॉइस, ठीक है, मुझे पसंद है उनके गाने, लेकिन 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 ट्रस्ट मी, ये जो गाने का रीमेक किया है उन्होंने, मैंने पायल है छलकाई, यार इतना बुरा है ना। मतलब आई डोंट नो तुम लोगों को पसंद आया है नहीं आया, लेकिन अगर तुमने ओरिजिनल सुना है और उसके बाद तुम ये वाला गाना सुनोगे, यू विल बी लाइक ये क्या सुन लिया है। शायद नहीं है, उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम इसको ओरिजिनल से कंपेयर करते हो तो ना मैन, नो, एब्सोल्युटली नो। प्लस आजकल रीमेक्स का ये ट्रेंड इतना ज्यादा चल चुका है, फिल्मों में रीमेक, गानों में रीमेक, हर चीज में रीमेक 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 ही चली जा रहा है, जिस वजह से और लोग इरिटेट हो चुके हैं कि भाई रीमेक्स के आगे भी तो बढ़ो। कमेंट्स पढ़ो, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय ओल्ड सॉन्ग्स। आई अग्री, जो ओरिजिनल है दैट इज लेजेंडरी। लिटरली सिर्फ एक ही कॉमेंट है पूरे कॉमेंट सेक्शन में, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय ओल्ड सॉन्ग। एंड इस वजह से बहुत ही ज्यादा मीम्स वगैरह बन रहे हैं नेहा दीदी पे। नेहा कक्कड़, तेरी, मेरे एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार।
क्या हो गया तेरे को? अरे नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल में आई हुई है एंड अनु मलिक एक्चुअली सेड दिस. नेहा कक्कड़ एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार. क्या हो गया तेरे को? Man, I respect Neha Didi, but this Annu Malik is a savage man. Neha Kakkad, तेरा गाना सुन के मन करता है मुंह पे मारू थप्पड़. Literally 90% of India की population right now after listening this song. तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारू थप्पड़ यार. और मेरा सवाल ये है कि इंसान के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पैदाइश के वक्त नहीं होता? इंसान के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पैदाइश के वक्त नहीं होता? दांत. बिकॉज सिर्फ दांत ही नहीं होते, बाल भी होते हैं कुछ लोग. हाँ, सो इट हैज टू बी टीथ. कि इंसान के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पैदाइश के वक्त नहीं होता? दांत. उसका सर. अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय. उसका सर. हाँ, सही सही कह रहे हैं वैसे. एक्चुअली जब इंसान पैदा होता है तब उसका सर नहीं होता, एज के साथ साथ कुछ लोगों में फिर भी नहीं आता है. जैसे ये भाई साहब में बिल्कुल नहीं आया. मतलब इमेजिन कोई इंसान बिना सर के पैदा हुआ है, कैसे भाई सर कैसे आंसर था इसका? एंड फॉर दैट मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ. और विदाउट यू देयर इज नो नोरा फतेही. ओके, सो यू बेटर. वैसे एक्चुअली में नोरा फतेही के जितने भी पॉपुलर गाने हैं सारे नेहा कक्कड़ ने गाए हैं. अगर मैं अभी सोचूं दिलवर दिलवर और जितने भी है सब नेहा कक्कड़ ने गाए हैं. शी इज एक्चुअली राइट. नेहा कक्कड़ इंडिया का जेम है और बिना नेहा कक्कड़ हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ नहीं है. मैं हमेशा बोलती हूँ. मीनवाइल फाल्गुनी पाठक, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल सिटिंग इन द कॉर्नर ईटिंग पॉपकॉर्न भी लाइक हाँ हाँ ये कर लो. पहले पहली वाली लाइन से देखो मैं एग्री कर रहा था, बट ये लाइन थोड़ी ज्यादा हो गई. नहीं, नेहा दीदी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए एंड शी इज अ लेजेंड है, लेकिन ये ज्यादा हो गया. एंड आई विल बी सो हैप्पी अगर नेहा दीदी जो है वो रीमेक से हटके ओरिजिनल गाने बनाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई थिंक लोग रीमेक गानों से रीमेक मूवीज से परेशान हो चुके हैं. लगान 2001. ओ, बॉलर ने भगते भगते रनर को आउट कर दिया क्योंकि वो क्रीज से बाहर निकल गया था. इसको क्या बोलते हैं, मैनकर्ड बोलते हैं ना, मैनकर्ड ऐसा कुछ. इंग्लैंड वर्सेस इंडिया थर्ड वुमेन्स ओडीआई. ओ आई नो दिस. एंड ये कर दिया रन आउट. जिन लोगों को नहीं पता क्या हुआ, अभी इंडिया और इंग्लैंड का विमेन्स टीम का जो है अपना थर्ड ओडीआई चल रहा था. वैसे इंडिया सीरीज जीत चुकी थी, 2-0 चल रहा था, फाइनल मैच था और एक लास्ट विकेट बची हुई थी इंग्लैंड की. तो दीप्ति जो है बॉलर इंडिया की वो बॉल करने आई एंड जो रनर थी वो आगे निकल गई, तो उन्होंने उसको रन आउट कर दिया. अब इस बात पे इंग्लैंड के जो है लोग ऑफेंड हो गए कि भाई ये कैसे कर दिया. इवन तो ये रूल्स में है कैसा कर सकते हो, बट उनके अकॉर्डिंगली दिस वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड ऐसा वो ऑफेंड हो गए. तो अभी उन लोगों को हम बताना चाहेंगे हमने तो बस लगान मूवी का बदला ही लिया है. अभी हिसाब बराबर हो गया. लगान मूवी में तुमने करा था रन आउट इस बच्चे को, तो बस उसका बदले ही तो लिया है हमने सिर्फ. तो अभी वो लोग ऑफेंड ना हो, हिसाब बराबर 1-1. अभी सुनना. हाँ? कोई मुझसे अच्छा लड़का. सब कुछ छोड़ो, ये इसकी पिंक कलर की बारबी वाली बाइक देखो, वो बातें कर रही है इससे. मुझसे अच्छा लड़का तुझे प्रपोज करेगा तो क्या करेगी तू? ऑफ कोर्स ना बोल दूंगी. कल पार्क में तो संजय को हाँ बोल दिया था. उसको टिकटॉक वाली गोली मारने के बाद वो बाइक स्लो मोशन में गिर भी रही है. कल पार्क में संजय को तो हाँ बोल दिया था. वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन नेहा कक्कड़ एंड फाल्गुनी पाठक. ये मैंने देखा था कि फाल्गुनी मैम ने क्या करा, कुछ लोगों ने स्टोरी वोरी डाल रखी थी कि नेहा मैम प्लीज डोंट रूइन द 90s के लेजेंडरी सॉन्ग्स वगैरह. तो फाल्गुनी मैम ने वो स्टोरी को रीशेयर किया हुआ था. फिर नेहा मैम ने रिप्लाई कर रखा था कि जो मेरी सक्सेस से जलते हैं आई फील सॉरी फॉर देम वगैरह वगैरह. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. वेलकम गाइस. बहुत ही अच्छा दिन है आज, थिएटर राउंड है और इसकी शुरुआत हम माता रानी का नाम लेके करें, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता. और हमारे बीच लेजेंडरी फाल्गुनी मैम आई है. ए चूना लगा दिया.
what was shown on social media, Neha Kakkad aur Falguni Pathak rivals, reality best friends. ये चूना लगा दिया. हम तो सोच रहे हैं भाई दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी वंट्रोवर्सी हो गई है. ये तो साथ में भाई इंडियन आइडल में नाच रहे हैं. Whoever don't want to know me, that person I also don't want to explain. Cost calculate from calculator. Calculation cannot calculate the quality. Mind it. Whoever don't want to explain me. Whoever don't want to know me, that person I also don't want to explain. Because calculator calculate the calculation, but calculator not calculate the quality. रफ्तार तो इसकी भी ठीक है. अरे मोरी मैया इंग्लिश की रद्दी पेल दी है भैया जी ने. रेस्ट इन पीस इंग्लिश. इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है. Reminder! Whoever wrote these dialogues, audience after watching ब्रह्मास्त्र, please we need you back in Bollywood. भाई मत बोलना, भाई मत बोलना. अरे काहे को भड़क रहा है तू? तू हरामी कसाई है जो अपनी दौलत के लिए अपनी माँ की बोटी बोटी करके बेच डालेगा. अरे भड़कता काहे को है? वाह क्या, इससे पहले मैं तेरे बाप की मुंडी इस तरह घसड़ घसड़ कर मारूंगा जैसे बंदर सांप को जमीन पर रगड़ रगड़ कर मारता है. क्या, मैं तेरे बाप की मुंडी को घसड़ घसड़ के मारूंगा जैसे बंदर सांप को रगड़ रगड़ के मारता है? मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे छील डालूंगा जैसे कटने के बाद बकरे को छीलते हैं. तू बकरे का दूध पी के अपने मूंछ के बाल उखाड़ते रहे. मैं चला तेरी गोल बस्ती पर कब्जा करने. तू बकरी का दूध पी के अपनी मूंछ के बाल उखाड़ते रहे. भाई साहब कहाँ से लिखे हैं ऐसे डायलॉग भाई? 80s 90s में स्क्रिप्ट राइटर जो थे वो अलग लेवल पे थे भाई. आजकल के डायलॉग भी लाइक शिवा शिवा क्या कर रहे हो शिवा शिवा तुम्हारा हाथ शिवा 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 ठीक हो शिवा? Dude, legit. मैंने दो बार देखी है ब्रह्मास्त्र, ठीक है? एंड मैं तुम्हें ये बात कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में भी आलिया भट्ट ने हर सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंड दोनों में शिवा लगाया है. मतलब वो एक्चुअली में हर सेंटेंस में शिवा 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 बोले जा रही थी. एंड इसकी एक्सप्लेनेशन मूवी के मेकर अयान मुखर्जी ने क्या दिया है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनका नाम ले लेके पुकारते हो उन्हें. कौन करता है ऐसा कि सेंटेंस में चार बार उनका नाम लेता है? शिवा शिवा मैं तुमसे प्यार शिवा करती हूँ शिवा. ऐसा कोई नहीं करता. गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉयज वर्सेस बॉयज ट्रांसफॉर्मेशन इन गर्ल्स. तो ये लड़की ने ये कैप सी पहनी और ये बाल वाल सेट करे तो ये लड़का बन गई. नहीं, ये अभी भी लड़की ही लग रही है. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. और अब ये लड़का लड़की बनेगा. आज के बाद मैं किसी चीज पे विश्वास नहीं कर रहा है इस दुनिया में. पूरे एक्चुअली इतनी सुंदर लड़की बन गया यार. क्या था ये, क्या बन गया? इंसानियत से विश्वास उठता जा रहा है मेरा. मैं इसके बाद किसी चीज पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में. दिस इज एंजल प्रिया इन रियल लाइफ. वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट फॉर फास्टेस्ट काउंटर. एक सेकंड, ये काउंटिंग कर रहा है. मैं पहले फास्टेस्ट काउंटर समझ नहीं आया मेरे को, अब समझ आया ये काउंटिंग कर रहा है. फास्टेस्ट काउंटिंग. Dude, ये मेरा legit favorite meme है इस वक्त. ये Spider-Man और Joker क्या डांस करते हैं. लगी छूटे ना. No, God, please, no!